नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि कार कैसे चलाते हैं। तो एक्चुअली ये मेरा न्यू डिजायर है, देख सकते हैं। तो आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा और अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप इस आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि हाउ टू ड्राइव कार। तो मैं उस वीडियो को मैं इंडिका पे बनाया था, तो आज मैं अपने न्यू कार डिजायर पे बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब लगभग हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। तो इस आप लोग का इतना सपोर्ट के कारण हमारा आज 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। तो इसी तरह प्यार देते रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो सब्सक्राइब तो किए हैं लेकिन सामने वाले बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किए हैं, जिससे कि जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो वीडियो उस भाई के पास से नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जिसके कारण वो हमारा वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो प्लीज़ उस बेल आइकन को जाकर सबसे पहले क्लिक कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए आज आप लोगों को बताने वाला है कि कैसे कार चलाया जाता है। तो सबसे पहले इस कार के बेसिक चीज के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेयरिंग, इसको स्टेयरिंग कहा जाता है। अगर आप कार चला रहे हैं तो अगर आपको राइट मोड़ना है राइट साइड तो आपको स्टेयरिंग इस साइड किया जाता है, और लेफ्ट साइड अगर मुड़ना है तो स्टेयरिंग को लेफ्ट साइड कटिंग किया जाता है। दूसरा छोटा सा बेसिक फंक्शन ये है कि यहाँ से इस नॉब को आप देख सकते हैं, इस हर एक कार पे दो नॉब्स होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड में जो नॉब है उसके क्या काम है, इससे देख सकते हैं ये यहाँ से बल्ब को ऑन ऑफ किया जाता है। तो अगर हम इस चीज को ऑन करते हैं तो एक बार में सिर्फ हमारा जो आगे वाला जो पार्किंग लाइट है, जो हल्का लाइट करता है पार्किंग लाइट, वो जलता है, और दोबारा करेंगे तो पूरा वो हेडलाइट जल जाएगा। और वहीं पे एक छोटा सा फंक्शन हमारा कार पे दिया हुआ है, सारे कार पे नहीं दिया जाता है क्योंकि ये न्यू मॉडल है, जिसके कारण यहाँ पे दिया हुआ है। ये है ये जो आगे हमारे जो फॉग लैंप लगा हुआ है छोटा सा, तो उसका ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। और इसमें तीसरा फंक्शन ये है कि अगर आप कार पे ड्राइव कर रहे हैं और आपको राइट साइड टर्निंग लेना है तो आपको करना क्या है, जस्ट ये जो नॉब है उसको नीचे करना है, जिसके कारण आप देख सकते हैं ये सिग्नल दिखा रहा है। अगर इसका मतलब आप राइट साइड टर्निंग ले रहे हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स करते क्या है, जो अगर आपको इस गली पे मुड़ना है या इस यू टर्न लेना है तो एकदम बिल्कुल वहां पहुंच के ही वो ये टर्न का लाइट इंडिकेट करते हैं, जो कि ये नेगेटिव है, क्योंकि आपको इसका मतलब है कि आपका गाड़ी पीछे के जो गाड़ी है आपको फॉलो करे कि आप इस साइड आप टर्निंग लेने वाले हैं। तो उस चीज को हमेशा ध्यान दीजिए कि आप जब भी टर्निंग लेने वाले हैं तो थोड़ा देर पहले ही आप टर्निंग को ले लीजिए, जिसके कारण वो पीछे की गाड़ी को पता लग सके कि आगे वाला गाड़ी जो है राइट साइड घूमने वाला है। और आपको लेफ्ट साइड टर्निंग लेना है तो इसको जस्ट ऊपर की ओर धकेलना है, जिससे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जल रहा है। और अगर और इसको ऑफ करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही आप स्टेयरिंग को सीधा कीजिएगा, गाड़ी आपको रोड पे सीधा जब आ जाएगी तो ऑटोमेटिक ये अगर ये यहाँ पे है तो ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे चला आएगा। और तीसरा इस साइड का नॉब है लेफ्ट साइड का, तो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ, तो इस वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं, ये एक्चुअली नॉब ये सारे रिलेटेड है वाइपर को लेके, तो इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज इस आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वहां जाके देख। अब फोर्थ चीज ये है कि गियर को आपको सबसे पहले समझना होगा कि गियर को कैसे लगाएंगे। तो आप कभी भी कोई भी कार चला रहे हैं तो उस गियर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल बना हुआ रहता है कि पहला गियर किधर है, दूसरा गियर किधर है, तो सारे गियर का पैटर्न यहाँ पे दिया रहता है ऑलरेडी। तो गियर को लगाना कैसे है, गियर ही मेन चीज है। तो देख सकते हैं कि अभी हमारा अगर कार न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल पे हमेशा होना चाहिए कार को। तो न्यूट्रल आप कैसे समझिए कि ये गियर न्यूट्रल पे है कि नहीं है, तो अगर आप इसको इस साइड बाएं की ओर ले जाइएगा तो वो चला जाएगा, और आप राइट साइड भी कीजिएगा, लेफ्ट या राइट साइड कीजिएगा तो ये देख सकते हैं ये हो रहा है, इसका मतलब ये अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ये पहला गियर लगा हुआ है, और अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी कोई गियर पे गाड़ी लगा हुआ है। फिफ्थ चीज ये है कि ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक सिर्फ इसलिए होता है कि अगर हम कहीं गाड़ी को
पार्क कर रहे हैं तो उस जगह पे हम इसको उठा के रखेगा तो इसे हैंड ब्रेक लग जाता है। ये कि होता क्या है, पीछे के जो टायर है वो लॉक हो जाता है जिसके कारण हमारा गाड़ी आगे पीछे होगा नहीं। हैंड ब्रेक को कैसे यूज करना है ये चीज को समझना जरूरी है। तो ये देख सकते हैं ये नॉब है, इसको हमेशा दबा के ही ये डाउन होगा, अदरवाइज ये ऊपर उठ सकता है डायरेक्ट लेकिन डाउन नहीं होगा। देख सकते हैं ये डाउन अभी नहीं हो रहा है, तो ये चीज को दबा के ही डाउन होता है। अब छठा टॉपिक ये है कि ये चीज को जानना आपको बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आप कार को हैंडल नहीं कर सकते, इसके बिना आप कार को नहीं सीख सकते चलाने के लिए। तो यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये क्लच है, इसको क्लच कहा जाता है, और इसको ब्रेक और इसको एक्सेलेटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको सिंपल से याद रखने का तरीका है, बहुत सारे हमारे नए फ्रेंड्स है जो नए नए अभी कार चलाना सीख रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है और कौन सा एक्सेलेटर है। तो उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि आप देख सकते हैं A फॉर एक्सेलेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच, बस ये इतना ही सा यहाँ डिफरेंस है। क्योंकि हम लोग स्कूल पे A, B, C इधर से पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे उल्टा आपको याद रखना पड़ेगा, A फॉर एक्सेलेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। तो ये चीज को अगर याद रखते हैं तो आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा कि आप कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है और कौन सा एक्सेलेटर है। ये अब देखते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो हमेशा फ्रेंड्स ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्लच है सी फॉर क्लच, इसको हमेशा सिर्फ अपना लेग पैर का ही यूज कीजिएगा इस पे, ठीक है। बहुत सारा हमारे नए फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो नए नए कार चलाने लेते हैं वो इसी से क्लच को यूज करते हैं और एक्सेलेटर जब यूज करते हैं उसी से ये ब्रेक को भी यूज करते हैं, जो कि आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो कभी भी इसको बाएं वाला पैर से इसको इस ब्रेक को यूज ना किया कीजिए, इसको सिर्फ बाएं वाला पैर को इतना ही याद रखना है कि बाएं वाला जो पैर है इसको सिर्फ आप क्लच के लिए ही इसको छोड़ दीजिए, और ये जो दाहिने साइड वाला जो पैर है इसको एक्सेलेटर और ब्रेक आप पांव को इस जगह पे रखिए कि आपका दोनों को आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे रखते हैं एक्सेलेटर का पांव, ये जो एड़ी है देख सकते हैं इस सेंटर पे अगर आप इस जगह पे रखते हैं एड़ी को तो आपको क्या होगा, ब्रेक मारने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। तो उस वक्त क्या करना है कि आपको उठा के करना पड़ेगा, जो कि आप कर नहीं सकते हैं वो चीज शुरुआत में, इसीलिए पांव को हमेशा ये चीज कीजिए कि ये ब्रेक और एक्सेलेटर के बीच में जो है इस जगह पे रखिए, क्योंकि यहाँ से आप एक्सेलेटर भी ले सकते हैं और एक्सेलेटर के छोड़ने के बाद ब्रेक को भी यूज कर सकते हैं। तो आप बताने वाले हैं कि ये जो क्लच है क्लच का कैसे कब यूज किया जाता है। तो क्लच को हमेशा आप दबा के गियर को लगाना पड़ता है, क्लच को दबा के ही यूज करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी क्लच को दबाया है पूरी अच्छी तरह से, उसके बाद यहाँ पे गियर का पैटर्न देख सकते हैं, यह इस तरह हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट राइट हो रहा है। तो इसका मतलब कि अभी आपका जो गियर है वो इस जगह पे, ठीक है, 3 और 4 के बीच में है। तो इस जगह पे तो आपको करना क्या होगा, जब पहला गियर लगाना होगा, जब फर्स्ट गियर पे गाड़ी डालना होगा तो सिंपली आप गियर को इस तरह पकड़िए और लेफ्ट साइड ले जाने के बाद आगे की ओर ढकेलना है या पुश करना है, जिससे कि पहला गियर लग चुका है। तो जब आप पहला गियर पे गाड़ी चलाएंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है, देख सकते हैं जब आप पहला गियर पे डाले गाड़ी और जब गाड़ी आपका 10 से 15 की स्पीड पे चले जाए तो उस वक्त क्या करना है, फिर से दोबारा क्लच को दबाना है और गियर को इस तरह पकड़ना है, ठीक है, इस तरह पकड़ के उधर मतलब पूरा बाएं की ओर फोर्स करते हुए सीधा पीछे की ओर खींचना है, जिससे कि वो इजीली आपका सेकंड गियर लग जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, देखिए सेकंड गियर लग गया, ठीक है। उसी तरह आप तीसरा गियर लगाना होगा तो सिंपल से आप थोड़ा सा आगे कीजिएगा और ये तीसरा गियर, और सीधे अगर कीजिएगा तो चौथा गियर, और राइट साइड पे खींच के आगे की ओर पुश करना है, जिससे ये फिफ्थ गियर, ये पांचवा गियर लग चुका है। उसी तरह बैक गियर करने के लिए आपको राइट साइड पे खींचना पड़ेगा और पीछे की ओर करना है, जिससे बैक गियर लग जाएगा। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है कि अपना सीट बेल्ट को लगा लेना है। तो सीट बेल्ट को हमेशा लगाइए, उसके बाद ही ड्राइव कीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स सोचते हैं कि अगर हम तो सामने ही थोड़े से दूरी पे जाना है तो क्यों सीट बेल्ट को यूज करें हम, तो थोड़ी सी दूरी पे जाना है या ज्यादा दूरी पे जाना है तो प्लीज आप हमेशा सीट बेल्ट का यूज कीजिए।
तो बहुत सारे फ्रेंड ये भी सोचते हैं कि सीट बेल्ट हम क्यों यूज करें। सीट बेल्ट तो देख सकते हैं कि इजीली ये इस तरह हो जा रहा है, अगर हम इस तरह हो रहे हैं आगे की ओर तो ये सिंपली तो आ जा रहा है, क्या फायदा सीट बेल्ट लगाने का। तो सीट बेल्ट लगाने का ये फायदा है कि अगर आप स्पीड पे कार चल रहा है और अचानक से झटका लगे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम सपोज दैट ये अभी सिंपल से हो जा रहा है, तो देखिए क्या होता है अगर हम झटके लेते हैं तो क्या होता है। देखिए देखिए लॉक हो चुका है, झटके पे ले रहा है, ठीक है, देखिए ये चीज होता है। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा सीट बेल्ट बांध के ही चलना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कार को। तो कार स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना सीट को एडजस्ट कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये दूरी है आप पांव को यूज अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो सीट को हमेशा अपना एडजस्ट कर लीजिए। तो जहां से आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहीं पे आप अपना सीट को रखिए, ठीक है। तो चलिए आप कार को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा यहाँ देख सकते हैं मेरा ये पुशअप बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये मेरा कोई भी चाबी सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाबी सिस्टम नहीं है हमारा कार पे क्योंकि ये मेरा टॉप मॉडल है ZX है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी नए कार से अब क्या हो गया, पहले वाले कार्स में स्टार्ट हो जाता था लेकिन अभी जब तक हम क्लच को नहीं दबाएंगे तब तक कार स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो मैंने क्लच को देख सकते हैं अभी दबाया हुआ क्लच को पूरी अच्छी तरह से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कार को। अब सब उसके स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये गाड़ी अभी न्यूट्रल पे होना चाहिए। तो गाड़ी देख सकते हैं अभी न्यूट्रल पे है। तो अब कार को चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि कार अभी स्टार्ट हो चुका है। तो देख सबसे पहले आपको अब करना क्या है, क्लच को पूरी अच्छी तरह से दबा लेना है और इधर अभी गियर को बाया की ओर ले जाने के बाद आगे की ओर पुशअप करना है, धकेलना है इसे। ये देख सकते हैं पहला गियर लग चुका है। अब इस हैंड ब्रेक को ये दबा के डाउन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपका स्टेप होने वाला है। तो इस जगह पे आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा तभी आप कार सीख पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लूज हो जाएंगे तो आप कार नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको शुरुआती है तो आपको डर लग रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एकदम धीरे 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 क्लच को कुछ नहीं करिए। ये जो लोग सोच रहे हैं ये वाला दबाना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ यहाँ पे रखना अभी, ठीक है, और इसको सिर्फ क्लच को धीरे 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 छोड़ना है। तो देख सकते हैं अभी कार हमारा एकदम धीरे धीरे कार बढ़ रहा है, देखिए कुछ नहीं करना है, यहीं पे आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है। तो कुछ नहीं, एकदम बस रिलैक्स, देखिए मैंने तीनों को अभी छोड़ा हुआ है और रिलैक्स एकदम कार जो है एकदम आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे लगभग स्पीड एकदम 6 to 10 का स्पीड हो सकता है बस, देखिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपको गाड़ी को रोकना है तो क्या करना है, फिर से दोबारा क्लच को दबाना है, ठीक है, और ब्रेक को धीरे धीरे दबाइए, बस यही चीज आपको कर लीजिएगा ना तो आप 90% आप कार यहाँ पे चलाना सीख गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, कार को स्टार्ट करना है, बस पहला गियर पे डालना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, ठीक है, गाड़ी बढ़ेगा, ठीक है। आपको डर लग रहा है, उस वक्त आपको डर लगेगा तो तुरंत क्लच को दबाइए और ब्रेक को दबाइए, बस कुछ नहीं, पहला स्टेप ही है, क्लच को छोड़िए, थोड़ा सा दूरी पे जाइए, डर लगेगा तो तुरंत क्लच को दबा के ब्रेक दबाना है, ये पहला स्टेप हुआ। तो ये था पहला स्टेप जिसको आप में कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको क्लच को छोड़ना था, गाड़ी हल्का हल्का बढ़ेगा, बस फिर से दोबारा क्लच को दबाना है और ब्रेक लगाना है, बस ये पहला स्टेप था। यहाँ पे आप 90% आप कार को सीख लीजिएगा, ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप आप लोग को बताने वाला है कि सेकंड गियर पे गाड़ी को कैसे डालना है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, क्लच को दबा के गाड़ी को एक नंबर पे डालते हैं। जब ये हमारा गाड़ी लगभग 20 के स्पीड पे पहुंच जाएगा, 20 का 20 के स्पीड तक, 15 से 20, उसके बाद हम गाड़ी को सेकंड गियर पे डालेंगे। तो कैसे डालते हैं सेकंड गियर पे चलिए देखते हैं। तो सेम प्रोसेस उसी तरह, बस क्लच को छोड़ना है, गाड़ी बढ़ रही है, बढ़ने दें, देखिए अभी स्पीड एकदम स्लो है तो आप देख सबसे पहले आपको देखना कि आगे कुछ है तो नहीं,
आगे हमेशा ध्यान देना है, यहीं से आप पहला गियर पे ही आप स्टेयरिंग को कंट्रोलिंग कर सकते हैं। देखिए अगर इधर करना है तो इस साइड जा रहे हैं, फिर स्टेयरिंग को सीधा कर रहे हैं, और आपको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट के ओर स्टेयरिंग को घुमा रहे हैं, फिर स्टेयरिंग को उतना ही जगह पे लाना है। ठीक है, ये पहला गियर पे आप ये चीज स्टेयरिंग को कंट्रोलिंग करना सीख सकते हैं, स्पीड में आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब स्टार्ट थोड़ा सी स्पीड लेते हैं गाड़ी को। स्पीड करना कैसे है, बस एक्सेलेटर पे ये जो पाँव है तो एक्सेलेटर को हल्का हल्का प्रेस करना है, जिससे कि आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ेगी गाड़ी। देखिए देखिए गाड़ी स्पीड बढ़ रहा है, देखिए गाड़ी स्पीड बढ़ गया, लगभग 20 की स्पीड पे पहुंच गया। उसके बाद करना क्या है, एक्सेलेटर को छोड़ना है और दोबारा क्लच को पकड़ दबाना है, और इस तरह हाथ रख के सेकंड गियर पे गाड़ी को डालना है। ठीक है, उसी तरह फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। ठीक है, अब देखिए अब फिर से दोबारा स्पीड आप ले सकते हैं, तो गाड़ी फिर स्पीड से आप 20 से ज़्यादा स्पीड पे ले जा सकते हैं। तो देखिए गाड़ी हमारा 20 से लगभग थोड़ा सी स्पीड गया है पीछे, आपको दाएं और बाएं ये चीज़ हमेशा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही है। अब बैक करना सीख लेते हैं गाड़ी को, तो उसी तरह आपको क्लच को दबाना है। ठीक है, और ये जो आर लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे बैक गियर लगता है, तो आपको अपनी ओर खींचना पूरी राइट साइड और पीछे की ओर लाना है। तो ये बैक गियर लग चुका है, उसके बाद बैक गियर को लगाने के बाद ये मिरर को आपको देखना है। ठीक है, पीछे कुछ है तो नहीं, और तीसरा मिरर ये वाला, ठीक है, और वो साइड वाला मिरर, ये तीनों चीज को आपको फॉलो करना है। बैक करने के लिए हमेशा ये तीन चीज का हमेशा फॉलो कीजिए। तो चलिए अब बैक करते हैं, उसी तरह सेम करना है, कुछ करना नहीं है। तो उसी तरह सेम देखिए, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि पीछे कोई गाड़ी अभी नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं एक बाइक आ रही है, उसको वो पार हो गया। अब चलिए क्लच को छोड़ते हैं, तो क्लच को हम छोड़ रहे धीरे धीरे, देखिए गाड़ी पीछे हो रहा है। तो बैक का सीखना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बैक भी थोड़ा टफ है, क्योंकि आपको आप किधर जा रहे हैं ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसका बैक रिलेटेड हम एक नया वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप डैट कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब के सामने वाला ये जो बेल आइकन है इस बेल आइकन को आप मत भूलिए। अगर ये सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं तो आपके पास हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और आप हमारा न्यू वीडियो को मिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।